वेलकम टू आदर्स अकेडमी, माई सेल्फ अल्पना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तभी उसमें आप बहुत से बेसिक चीज़ें समझाई गई है। अब जो शुरू होगा वो आपका मेनली हड़प्पा सभ्यता से शुरू होगा, जो प्रत्येक एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारे चैनल में रेलवे, एसएससी, सीपीयू से संबंधित मैथ्स, जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए, स्टेट एग्ज़ाम के लिए जो स्टैटिक जीके होते हैं और टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चलाए जा रहे हैं और भी चलाए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एजेंडा की ओर। और चैप्टर्स देखिए, ये एनसीईआरटी है, प्राचीन भारत सिक्स क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप इसे समझ सकेंगे। ठीक है, नगर जीवन का आरंभ, ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, ये बस हमने और देखने के लिए ऐसे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो हमने सिनॉप्सिस फॉर्म में जो बनाया है उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 में अभी तक हम लोग पढ़ लिए कि आदि मानव कैसे खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की ओर बढ़ गए। ठीक है, मतलब वो अपने द्वारा प्रयोग में लाए गए फसलों, अपने द्वारा अपने पेट को भरने के लिए जो अनाज पहले क्या होता था, वे कच्चे मांस को ही अपने आहार के रूप में लेते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वे कृषि करने लगे और कृषि करते करते क्या हुआ, उनका जीवन स्थायित्व हो गया, वो एक जगह पर ही स्थिर हो गए। ठीक है, और इसी तरह क्या हुआ, एक गाँव का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जब गांव का निर्माण हुआ वो इतना मतलब संपूर्ण हो गए, वो मतलब उनकी ज़रूरतें पूरी होने लगी, खाने की चीज़ें जो हैं वो इतना ज़्यादा उत्पादन करने लगे कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सभ्यता। सभ्यता क्या होता है? तो जैसा कि हमने डिफिनेशन में लिखा है कि शहरी जीवन को ही सभ्यता की शुरुआत एवं संकेत माना जाता है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के फर्स्ट सेकेंड पैरा को देखेंगे तो इसमें यह दिया हुआ है। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है कि जब वहाँ पे जो मानव थे उनकी ज़रूरत जब पूरी होने लगी, मतलब खाद्य की ज़रूरत जब पूरी होने लगी, खाने की चीज़ें मिलने लगी, तो उनकी मतलब जो सोच थी और भी आगे, उनकी ज़रूरत जो थी वो और भी आगे बढ़ गई, मतलब वो व्यापार करने को उत्सुक हुए। ठीक है, वो शिल्पकार बनने को उत्सुक हुए, कारीगर बनने के उत्सुक हुए और तरह तरह की चीज़ों के आभूषण मतलब बनाने के लिए उत्सुक हुए, मतलब उन्होंने व्यापार करने की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सभ्यता मानव संस्कृति के विकास की वह अवस्था है जब मनुष्य अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा और भी कुछ चाहता है। ठीक है, और भी कुछ चाहता है, मतलब कि उनकी भौतिक ज़रूरतें जो थी वो पूरी हो रही है। ठीक है, लेकिन वो और भी जो सोच रहे हैं कि हमें व्यवसाय करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, तो वो क्या किए, व्यापार करने के लिए वो एक स्थान पर, वे सभी लोग जो जो चाहते थे वो इकट्ठा हुए एक स्थान पर और व्यापार करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे जब वो एक जगह जब इकट्ठा होने लगे व्यापार के लिए, तो धीरे धीरे वही क्षेत्र जो था वो नगर के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, और वे अपने भोजन को जो थे वो क्या करते थे, जो वो जैसे कि शहर में रहे व्यक्ति जो थे वो व्यापार करते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते थे या फिर आभूषण बनाते थे या फिर किसी अन्य तरह के व्यापार करते थे, उसको क्या करते थे, गाँव के जो व्यक्ति जो फसल के उत्पादन करते थे उससे वे एक तरह से एक्सचेंज करते थे। ठीक है, कि भाई हमको फसल दे दो, हमको मतलब चावल, गेहूं, जौ, ये सब जो मुख्य फसल था उस टाइम का, वो मुझे हमें दे दो, उससे वो अपना पेट भर लेते थे और बाकी गांव की ज़रूरत को भी वो पूरा करते थे, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, ये सब देकर। ठीक है, फिर उस क्या हुआ कि उस टाइम जो हड़प्पा सभ्यता के समय क्या हुआ, मतलब एक तरह से बोला जाए तो उस टाइम क्या हुआ कि लेखन ज्ञान का प्रसार हुआ। लेखन ज्ञान का प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि क्या हुआ था, उस समय जब बड़े बड़े व्यापारी उभर कर आए, ठीक है, तो उनको लेखा जोखा करने के लिए, मतलब कि हिसाब किताब करने के लिए उसमें उनके अंदर लेखन प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है, कि सब कुछ कितना बेचना है, कितना देना है, ये सब लेखा जोखा करने के लिए उस टाइम लेखन ज्ञान का भी प्रसार हुआ। तो ये सबसे पुरानी जो नगर की सबसे पुराना नगर कौन कौन सा है, देखिए सबसे पुराने नगर जिस नगर की भारतीय उपमहाद्वीप में खोज हुई वह थी रावी नदी तट पर स्थित हड़प्पा। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो स्थान है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो होगा रावी नदी के तट पर। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल की खोज सिंध जो कि वर्तमान जो है वो पाकिस्तान में है, के मोहनजोदड़ो में हुई। तो
तो यहाँ पे दो चीज़ उभर कर आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता और दूसरा है सिंध के मोहनजोदड़ो, ये दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, और सिंध जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, के मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का दर्जा दिया गया, ठीक है। और उसके के बाद क्या हुआ कि इन प्राचीन नगरों की सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया, क्योंकि ये दोनों नगर जो थे वो सिंधु की घाटी में मिले थे, ठीक है। और क्या देखिए नेक्स्ट में हम बता रहे कि यही दोनों को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, मतलब इन्हीं दो, यही दो नगर सिर्फ थे जिसे सिंधु सभ्यता का दर्जा दिया गया, तो नहीं, और भी क्षेत्र थे जिसे सिंधु घाटी का दर्जा दिया गया, सिंधु सभ्यता का दर्जा गया, या फिर हड़प्पा संस्कृति भी उसे कहा गया उस क्षेत्र नगर को। तो पहला क्या है, पंजाब में रोपड़ और राखीगढ़ी, फिर दूसरा है बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा, अहमदाबाद के पास लोथल, और राजस्थान में कालीबंगा। तो इन नगरों को भी सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति का दर्जा दिया गया, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी जो संस्कृति हड़प्पा के क्षेत्र में पाई जाती थी वही संस्कृति यहाँ भी पाया जाता था, और ये भी सिंधु घाटी के, मतलब सिंधु घाटी में अवस्थित नगर थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का वहाँ पे, मतलब हड़प्पा सभ्यता आया उस टाइम क्या हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विकास उसी समय हुआ जब एशिया और अफ्रीका के अन्य भागों में मुख्यतः नील फरात, दजला, हवांड हो नदियों की घाटी में दूसरी सभ्यताएं फूल फल रही थी। मतलब भी जैसे कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा था, वैसे ही अन्य क्षेत्र में कुछ नील फरात, दजला और हवांड हो नदियों की घाटियों में और भी सभ्यताएं जो थी वो फल फूल रही थी, और भी सभ्यताएं मतलब एराइज हो रही थी, ठीक है। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि वहाँ पे मतलब वहाँ की जलवायु कैसी थी, वहाँ के लोग क्या क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। मोहनजोदड़ो के दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध स्मारक स्नान कुंड है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखिए परिवेश, उस समय भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में जंगलों से ढके हुए थे, जलवायु वहाँ पे नम्र और आर्द्र होती थी, सिंध और राजस्थान आजकल की तरह रेगिस्तान इलाके नहीं थे। वहाँ पे क्या होता, भूमि बहुत उपजाऊ थी। ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा कौन कौन से फसल का उत्पादन किया जाता था, तो जौ, गेहूँ, चावल, ठीक है, जिसमें कि जौ और गेहूँ प्रमुख है, बिल्कुल। इसलिए काफ़ी अधिक अनाज पैदा होते थे, मतलब वो लोग इतना अनाज पैदा कर लेते थे वहाँ पे गाँव में रहने वाले लोग, ठीक है, कि सभी की ज़रूरतों को वहाँ पे पूरा कर दिया जाता था। अब हम लोग देखेंगे नगर और उनके भवन, मतलब वहाँ पे एक तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर दो भागों में बटे हुए थे, ऊंचे चबूतरों पर दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है। ऊंचे भागों को जो था उसको दुर्ग कहा जाता था, और निचले भाग ऊंचे भाग को दुर्ग कहा जाता था, ठीक है, और या गढ़ कहा जाता था। इस भाग में सार्वजनिक भवन, धार्मिक कोठार, कार्यशालाएं और धार्मिक इमारतें हुआ करती थी, ठीक है। नगर का दूसरा भाग जो था वो काफ़ी बड़ा था, निचले हिस्से में था, यहाँ लोग रहते थे और अपना धंधा करते थे, मतलब बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। तो फ्रेंड्स जो ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी मतलब भाग बोला जा रहा है जिसे दुर्ग कहते हैं या फिर गढ़ कहते हैं, वहाँ पे क्या होता था, वो ऊंचा, वहाँ पे अक्सर क्या होता था, वहाँ उस क्षेत्र में बाढ़ की समस्याएं होती थी, ठीक है। तो जब बाढ़ आता था तो लोग क्या करते थे कि दुर्ग में या फिर गढ़ में वो जाकर वहाँ पे निवास करने लगते थे, वहाँ पे रहते थे, ठीक है, और बाढ़ से अपने आप को, स्वयं को बचाते थे। फिर क्या हुआ, जब बाढ़ आ जाता था तो वहाँ पे नाव के थ्रू, ठीक है, नाव के थ्रू वो दूसरे क्षेत्र से अन्न को आयात करते थे, है ना। और क्या हुआ कि उस टाइम क्या हुआ कि लोहा का विकास हो, लोहा धातु का, वैसे तो हम पढ़ ही चुके हैं कि उस टाइम क्या हुआ, पहले क्या होता था कि पत्थर को काट काट के उपकरण बनाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो धातुओं का, तांबा का विकास हुआ, है ना, तांबा की खोज की गई, फिर तांबा की खोज हुई तो उससे उपकरण बनाए जाने लगे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के समय क्या हुआ कि लोहा का विकास हुआ, मतलब लोहा की खोज हुई और उससे उपकरण बनाए जाने लगे, और इसके उपकरण जो होते थे बहुत अच्छा होता था, कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो के, ये देखिए इसमें पैराग्राफ में दिया है कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध स्मारक स्नान कुंड है। अब इसने हमने हम हड़प्पा के बारे में बात किया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में दोनों बात किया कि कैसे कैसे वहाँ पे नगर होते थे, ठीक है। और आप मोहनजोदड़ो के दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध स्मारक जो है वो स्नान कुंड है, ठीक है। यह तैरने के लिए बने एक बड़े कुंड की तरह है, पर हम नहीं जानते कि ठीक किस काम के लिए इसका उपयोग किया जाता था। मतलब ये देखने में तो लगता है कि ये स्नान कुंड होगा, यहाँ पे लोग नहाते थे, ठीक है, लेकिन ये देखने से पूरा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये किस चीज़ के लिए, वास्तविक रूप से किस चीज़ के लिए होता था। मकान वहाँ पे रहने वाले लोग, मतलब उसकी
मतलब वो दिया है कि उनके घर कैसे होते थे, उनकी खिड़कियां कैसी होती थी, नालियां कैसी होती थी सब, ठीक है, नालियां जो होती थी वो आगे चलकर समकोण पर काटती थी, इस टाइप की चीजें उसमें दिया हुआ है। तो इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ कुछ दिया है, ठीक है। और इसमें बस भोग विलास की चीज़ें दी गई है कि वो भोजन किस प्रकार करते थे, मनोरंजन और खिलौने किस प्रकार होते थे, ठीक है, बच्चों के लिए खिलौने, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको प्रोवाइड हमने बता दिया है। बाकी व्यापार देख लेते हैं कि व्यापार क्या क्या करते थे, ठीक है। उस समय सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के लोगों के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोगों का व्यापारिक संबंध था। मतलब सुमेर जो है वो आपका इराक में है, और फारस की खाड़ी मतलब इराक का संबंध जो है वो भारत का बहुत पुराना है, ऐतिहासिक संबंध है इराक के साथ। जब भी इराक आयर के टॉपिक में उभर कर आता है तो ये जरूर आप सुनेंगे कि इराक के साथ जो भारत का संबंध है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, ठीक है। तो सोचिए हड़प्पा सभ्यता के समय से ही भारत का इराक के साथ बहुत ही संबंध रहा, इराक मतलब सुमेर, ठीक है, सुमेर कहा जाता था उस टाइम। सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के लोगों के साथ हड़प्पा संस्कृति के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध हुआ करता था, ठीक है। वे एक जगह से दूसरी जगह बराबर माल भेजा करते थे। मोहनजोदड़ो में बनी मुहरे तथा अन्य छोटी चीजें इराक के स्थलों से मिली, लोथल से खुदवाई एक डॉक या नौका गोदी मिली है। मतलब बहुत सारे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि भारत का दूसरे देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। और वो क्या माल को आयात कैसे किया जाता था, नौकाओं से, नौका से आयात किया जाता था, फिर निर्यात भी नौका से ही उस टाइम किया जाता था, ठीक है। और धर्म क्या क्या थे, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता कौन कौन से धर्म को मानते थे ये देखेंगे। मिस्र सुमेर में प्राचीन पुस्तकें मिली है। मिस्र मतलब सुमेर का मतलब है इराक, ठीक है। उसमें उत्तरी एक आसीन पुरुष की प्रतिमा मिली है जिसे देवता माना गया। मतलब यही बोला जा रहा है कि उस टाइम अभी जो हम लोग अवशेष मिले हैं उसमें एक प्रतिमा मिली है, माना जा रहा है कि ऐसे कोई देवता थे जिनके वो लोग पूजा आराधना करते थे, ठीक है। फिर अचानक क्या मतलब फिर क्या हुआ कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पतन हो गया। पतन के क्या कारण थे, सबसे पहला मतलब ये अनुमानित कारण है फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है कि मतलब कि फिक्स ऐसा कारण रहा होगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, हड़प्पा सभ्यता है लगभग 1500 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। 1500 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, और पतन के अनुमानित कारण है, ठीक है, मतलब एक डेफिनेटली ये कारण नहीं है लेकिन अनुमानित माना गया है कि ऐसा कुछ कारण रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स ऐसा क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के समय नगर और गाँव के बीच में विशेष संबंध थे, ठीक है। नगर के लोग जो व्यापार करते थे, नगर में स्थित जो व्यक्ति रहते थे वहाँ पे जो वो व्यापारी करते थे वो अपने चीज़ों को गाँव में रहने वाले व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तुओं उत्पादित फसल के द्वारा वे एक्सचेंज करते थे, ठीक है, और अपनी आवश्यकताओं की एक दोनों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उनके मध्य संघर्ष हुआ, ठीक है, लड़ाइयाँ हुई होगी तभी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। दूसरा कारण व्यापार के पतन को माना जा रहा है। तीसरा कारण बोला जा रहा है कि वहाँ पर बाढ़ बहुत आते थे, ठीक है, बाढ़ आने के कारण क्या हुआ कि मतलब उनका जो व्यापार था वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, और उनके घर भी डिस्ट्रॉय हुए होंगे तभी ऐसा मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा, ठीक है। तो देख लिया अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्या मतलब की क्या स्थिति थी, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, उनकी भवन कैसी होती थी, भोग विलास की चीज़ें जो थी वो कैसे किस प्रकार से थी, वो कैसे अपना व्यवसाय करते थे, हड़प्पा संस्कृति के पतन कैसे हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।